नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम लोग जीके जीएस का वो टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक से रेलवे ग्रुप डी को प्यार हो गया है। हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कौन कौन सा टॉपिक है। एक है 3 संविधान संशोधन है और पंचायती राज है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में गारंटी आप किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस देख सकते हैं और उस सभी चीज़ का डाटा कलेक्ट करके आपके पास लाए हैं। अभी आपका एग्जाम अगर नहीं हुआ है तो देख कर जाइए, 2 से 3 नंबर कन्फर्म होगा। अगर विश्वास है तो अपने भाई के लिए जितने मेहनत से लेकर आए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट करके बताना है कि कैसा लगा आज का वीडियो। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और तीनों संविधान संशोधन का ऑपरेशन करके और पंचायती राज से संबंधित हर समस्या आपको दूर कर देते हैं। देखिए, जितना गर्मी में यानी के साथ हम पढ़ा रहे हैं, मेरे रूम में कोई एसी नहीं लगा है, पंखा भी नहीं चलाते, क्योंकि पंखा चलाएंगे तो आपके पास आवाज़ सही नहीं जा पाएगा। गर्मी भी बहुत है, इस गर्मी में भी अगर इतना मेहनत और जुनून के साथ आपको पढ़ा रहे हैं तो आपका भी कुछ दायित्व जरूर बनता है। देखिए, पहला है कि 42वां संविधान संशोधन। भाई, इसको रेलवे से प्यार हो गया है। अगर पहला शिफ्ट में 42वां पूछा तो दूसरा में 86वां, तीसरा में 73वां, इस चीज़ का गारंटी है। तो देखिए, 42वां संविधान संशोधन से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन हुआ। यह संविधान संशोधन किससे संबंधित है, प्रस्तावना से संबंधित है। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया। 3 कौन है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक, जब संविधान तैयार हुआ उस टाइम मेरे देश में मौलिक कर्तव्य नहीं था, 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कब, 1976 में। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसे किस भाग में रखा गया, भाग 4A में, और कहाँ से लिया गया, रूस से। यह किस समिति पर आई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। यह था आपका 42वां संविधान संशोधन का ऑपरेशन। अब आ जाइए कि 86वां संविधान संशोधन। इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देख लीजिएगा। हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि 100% पूछेगा इस 3 में से कोई ना कोई। ठीक, अब देखिए 86वां क्या है। पूछेगा कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2002 में। 86वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था, शिक्षा था। इसे किस अनुच्छेद में रखा गया, 21A में रखा गया। इसमें क्या बताया गया, इसमें यह बताया गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, मतलब फ्री शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा 86वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। कब, 2002 में। अब कुछ संविधान संशोधन आपके पास लिखे हैं, ये आपके करंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये करंट का संविधान संशोधन है। 100वां संविधान संशोधन बांग्लादेश से भूमि हस्तांतरण हुआ, जब भूमि का अदला बदली हुआ उससे है। 101वां जीएसटी से, जीएसटी संबंधित है। 102वां ओबीसी के लिए आयोग बना। 103वां संविधान संशोधन, EWS को 10% आरक्षण दिया गया। 104वां संविधान संशोधन क्या है, SC ST को 10 वर्ष के लिए उसके आरक्षण को बढ़ा दिया गया। ये आपके करंट का 5 संविधान संशोधन है। 100वां है बांग्लादेश से भूमि हस्तांतरण, 101वां है आपका GST से, 102वां है OBC आयोग से, 103वां है EWS से, 104 है SC ST में 10 बार के लिए आरक्षण बढ़ाया गया, और एंग्लो इंडिया के थ्रू जो लोकसभा में आपका 2 सीट होता था, राष्ट्रपति जी मनोनीत करते थे, उसको समाप्त कर दिया गया। ये आपका करंट के लिए है। अभी तक 104 संविधान संशोधन हुआ है। अब आइए कि 3 नंबर में 73वां संविधान संशोधन। ये पूर्ण रूप से पंचायती राज से संबंधित है। किससे है, पंचायती राज से, और इससे पंचायती राज वाला जितना क्वेश्चन है सब कुछ इसी संविधान संशोधन में आपको क्लियर करेंगे। अगर वीडियो पसंद पड़ रहा है तो एक बार कमेंट जरूर करना है, जितने जोश के साथ हम पढ़ा रहे हैं। देखिए, 73वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ, 1992 में।
यह कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को आपका 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। इसीलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। यह किस अनुसूची में जोड़ा गया? 11वां अनुसूची में। इसमें टोटल कितना विषय है? 29 विषय है। इसे किस भाग में जोड़ा गया? भाग 9 में जोड़ा गया। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल यानी अनुच्छेद 243 से 243 जी तक। पंचायती राज मंत्री कौन है? ले ये पूछ रहा है कि पंचायती राज मंत्री कौन है? कौन है? गिरिराज सिंह। इसको भी याद रखिएगा। एक नया मंत्रालय बना है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता विभाग किसके पास है? सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लाया गया, और ये जो आपका है 1959 ईस्वी में नागौर के राजस्थान नागौर जिला के राजस्थान से लागू हुआ। और यहाँ से आप एक और क्वेश्चन बन सकता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है जो पूर्ण रूप से लागू किया? आंध्र प्रदेश। और सबसे लास्ट में लागू कौन किया? जम्मू कश्मीर। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 40 में किसके बारे में उल्लेख है? ग्राम पंचायत के बारे में। ये था आपका वो टॉपिक जिससे 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में गारंटी के साथ लिख कर देंगे कि पूछेगा। अगर आज का वीडियो पसंद पड़ा है तो एक तो दायित्व आपको बनता है कि अपने भाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है, और कमेंट करके बताना है कि आज के वीडियो कैसा लगा। आज के वीडियो के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।